चारू प्रज्ञा जी, राहुल गांधी का जो फैसला लेकर आज संबित पात्रा जी कह रहे थे कि देश के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मतलब ऐसा तो जश्न मनाते कहीं पर मोदी समुदाय के लोग भी नजर नहीं आए। लेकिन मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, जजमेंट जो पहले जज ने दिया था निचली अदालत ने, उन्होंने भी इस बात को लिखा कि क्योंकि राहुल गांधी हैं और क्योंकि सांसद हैं, मैं इनका एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता हूं, मतलब ये एक कड़ी नजीर की तरह इनको पेश करना चाहता हूं। तो स्पेशल तो ये पहले ही हो गया, एक आम व्यक्ति की तरह कानून में समानता की तरह तो राहुल गांधी को पहले ही नहीं देखा गया। अंकित देखिए, मैं एक वकील भी हूँ, ना ही केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आज की तारीख में अगर कोई भी हमारी आईपीसी को उठाकर कानून के प्रावधान पड़ेगा तो ये साफ लिखा गया है सेक्शन 500 में कि क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए किसी को पनिशमेंट या फाइन 2 साल तक का मिल सकता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये हमारे कानून में लिखा गया है। आपको इस बात से कोई समस्या हो तो इसको अलग तरीके से एड्रेस करिए। नहीं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानून में जरूर लिखा गया है। मेरी बात पूरी होने, चारू जी आपने कहा कि अलग तरीके से, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप मुझे, मेरी समस्या इससे बिल्कुल अलग है। मेरी समस्या सिर्फ ये है कि आप मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे कि इसी कानून के तहत इससे पहले किसको 2 साल का सजा मिली हो। नहीं, लेकिन इस कानून में ये तो साफ लिखा गया है ना कि 2 इयर्स तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, तो यहाँ पर कुछ गैर कानूनी तो हुआ नहीं है, तो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। पहली बात, अगर सबसे पहले आपने यही फर्क नहीं समझा कि एक इंसान को गाली देना और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को गाली देने में क्या फर्क है, तो ये आपकी सोच की कमी है। दूसरी बात, अगर आपको कोर्ट ये कहती है कि आप माफी मांग लीजिए, आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि मैं पूरे समुदाय का दिल नहीं दुखाना चाहता था या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा मतलब सिर्फ 1 या 2 नामों से था। ये बात बोलने से क्या आप छोटे हो जाएंगे? पब्लिक लाइफ में होने में आपका सर झुक जाना चाहिए, ह्यूमिलिटी बढ़ जानी चाहिए। यहाँ पर तो एरोगेंस बढ़ती नजर आ रही है। और मैं वापस ये आपको कानूनी प्रावधान बताना चाहती हूँ, जब क्लियर है आईपीसी के तहत कि क्रिमिनल डेफेमेशन में 2 इयर्स तक की सजा मिल सकती है, 2 साल या फाइन की सजा मिल सकती है, तो यहाँ हल्ला क्यों मचाना भाई? आप अपील में गए थे, आपकी अपील नहीं मानी गई कोर्ट के द्वारा, आप आगे जाइए, अपील करिए। इसमें हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है मैडम क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के नेता भी करते हैं ना। अगर इतना ही मामूली मामला होता तो शायद फिर इस पे इतना हल्ला भी नहीं होता।